वन स्टूडेंट टूडे वी विल डू दिस वर्क डिग्री ऑफ कंपेरिजन. ओके दिस वर्क इज रिलेटेड टू योर चैप्टर एट पेज. यू कैन सी दिस वर्क ऑन पेज नंबर 125. ओके डिग्री ऑफ कंपेरिजन. ऑल ऑफ यू नो अबाउट एडजेक्टिव्स. सो वैन दीज एडजेक्टिव आर यूज फॉर कंपेरिजन दीज आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपेरिजन. ओके डिग्री ऑफ कंपेरिजन आर यूज वैन वी कंपेयर वन पर्सन और वन थिंग विद अदर. कि जब हम किसी एक चीज़ को या एक व्यक्ति को या एक चीज़ को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तब हम इस डिग्री ऑफ कंपेरिजन का यूज़ करते हैं. देयर आर थ्री डिग्री ऑफ कंपेरिजन. थ्री डिग्री हैं पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री यानी जैसे आप करते हैं एडजेक्टिव जैसे आपने किया फास्ट ब्यूटीफुल गुड तो ये पॉजिटिव में आते हैं. कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है. कंपेरेटिव में हम दो से कंपेयर करते हैं तब हम जैसे लिखते हैं दिस इज बेटर देन दैट. ओके या कार इज फास्टर देन बोट. ओके जब हम दो का कंपेरिजन करते हैं जैसे दिस सम इज मोर डिफिकल्ट देन दैट सम. ओके और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बच्चे जिसमें कि ओवरऑल हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ बेटर है या सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है तो वो आती है सुपरलेटिव डिग्री में. नाउ लेट्स रीड अबाउट पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री क्या है. व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन कि जब हम किसी एक पर्सन के बारे में उसकी कुछ क्वालिटीज़ बता रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री. फर्स्ट वन इज़ द हाउस इज़ बिग. इसमें हाउस की बात हो रही है कि एक हाउस की बात हो रही है कि हाउस कैसा है बिग है. हाँ नेक्स्ट ही इज़ अ टॉल स्टूडेंट कि जैसे कि वो लंबा बच्चा है. द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल कि फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है. ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय कि वो इंटेलिजेंट बॉय है. इसमें आप देखेंगे एक ही चीज़ की बात हो रही है अ टॉल स्टूडेंट अ फ्लावर एन इंटेलिजेंट बॉय. ठीक है तो ये ओनली वन नाउन के बारे में जब हम रीड करते हैं देन वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट कम्स कंपेरेटिव डिग्री. कंपेरेटिव डिग्री क्या है. व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन और टू थिंग्स जब हम दो पर्सन को या दो चीज़ को कंपेयर करते हैं देन वी यूज़ दिस डिग्री. इसमें हम क्या करते हैं मोस्टली हम ER या मोर वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे आप देखेंगे द हाउस इज़ बिगर देन दैट वन कि ये वाला जो हाउस है वो उस दूसरे हाउस से बड़ा है. तो इसमें क्या होता है दो के बीच कंपेरिजन होता है देन वी यूज़ ER. द हाउस इज़ बिगर देन दैट वन. नेक्स्ट द फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल. इसमें हम मोर लगाएंगे ब्यूटीफुलर नहीं लगाएंगे. द फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दैट. नेक्स्ट ही इज़ मोर इंटेलिजेंट. अब इसमें इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ हो रहा है तो क्या हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट. ठीक है अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है. व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स विद वन अनदर. मोर देन टू पर्सन. ओके इसमें हम दो से ज़्यादा या सबसे सब में देखते हैं कि जैसे पूरी क्लास में सबसे अच्छा कौन है तो हम बोलते हैं दिस इज़ द बेस्ट स्टूडेंट. देन इन सुपरलेटिव डिग्री वी एड EST और मोस्ट. ठीक है हम ये दो वर्ड ऐड करते हैं इसमें EST या मोस्ट ऐड करते हैं. ओके फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन दिस स्ट्रीट. स्ट्रीट क्या होता है गली की इस गली में ये सबसे बड़ा हाउस है. द फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन इन दिस गार्डन कि ये फ्लावर जो है सबसे सुंदर है गार्डन में. ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस क्लास कि क्लास में ये बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है. नेक्स्ट ही इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. ओके क्लास में टॉलेस्ट स्टूडेंट यानी और भी बच्चे टॉल है बट ही इज़ द टॉलेस्ट. ओके तो अब ये तो हुआ बच्चा आपको जो बताया पॉजिटिव सुपरलेटिव और कंपेरेटिव. इसके बाद आप देखेंगे आपकी बुक में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 125 में है ये. द सेल बोट इज फास्ट. अब सेल बोट है वो क्या है फास्ट है. द कार इज़ फास्टर देन द सेल बोट लेकिन कार क्या है वो सेल बोट से फास्टर है. एंड द एरोप्लेन इज़ फास्टेस्ट ऑफ ऑल. एरोप्लेन सबसे फास्ट है. नेक्स्ट देखेंगे द डॉग इज स्ट्रॉन्ग. डॉग स्ट्रॉन्ग है बट हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन द डॉग. अब हॉर्स और डॉग में कंपेरिजन हो गया तो कौन है इसमें स्ट्रोंगर हॉर्स. द एलिफेंट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल कि एलिफेंट सबसे स्ट्रोंगेस्ट है. ओके सॉरी
नेक्स्ट आप देखेंगे आपकी बुक में ही दिया है, स्किपिंग इज ईजी. अब आपको ईजी से बताना है तो पहले में आपने लिख दिया स्किपिंग इज ईजी. अब जंपिंग क्या होता है, जंपिंग तो और भी ईजी है, तो जंपिंग क्या हो जाएगा, जंपिंग इज ईजियर देन स्किपिंग, कि वो उससे भी ईजी है. एंड वॉकिंग, वॉकिंग इज द ईजीएस्ट ऑफ ऑल, तो इसमें क्या आ जाएगा, ईजीएस्ट. ठीक है, कि ये सबसे ईजी है. इसके बाद आप देखेंगे यूज़ द वर्ड एक्साइटिंग, एक्साइटिंग यूज़ करना है. रॉक क्लाइंबिंग इज एक्साइटिंग, कि ये क्या है, एक्साइटिंग है. ओके, रॉक क्लाइंबिंग. और स्कीइंग, ये क्या हो जाएगा, मोर एक्साइटिंग, इसमें मोर वर्ड यूज होएगा, एक्साइटर नहीं लिखेंगे आप. एंड रिवर ड्राफ्टिंग, दैट इज मोस्ट एक्साइटिंग. ओके, इसमें मोर और मोस्ट भरेंगे. इसी तरह से आपको नेक्स्ट करना है जूसी, जूसी वर्ड फिल करके करना है. एप्पल इज जूसी. ओके, ऑरेंज इज जूसियर. एंड शुगर कैन इज द जूसीएस्ट. ओके, सो स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंपैरिजन ऑफ डिग्री. ओके,